हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SGDN's ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। सो स्टूडेंट्स, फाइनली गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड मींस GSEB ने फाइनली द रिड्यूस्ड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड 10th अनाउंस कर दिया। इट्स अनाउंस दैट द कोर्स हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 30%। इज इट रियली? सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्ड 10th एक्सक्लूसिवली फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये स्टूडेंट्स, काफी लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है और काफी लोगों को इस सब्जेक्ट से बहुत टेंशन होती है, बट इट्स गुड न्यूज दैट अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द कोर्स हैज बीन ओमिटेड। And at the end of the video, I'm going to give you certain advices that ye topics omitted hai, phir bhi aapko ye karna chahiye, nahi karna chahiye, and so on. So keep watching this video till the end, and I'm going to tick mark each and everything in the textbooks. So do sit with your textbooks and let's check each and everything what is there and what is omitted, so that aapki sari confusions clear ho jaye. Are you ready, students? Here we go. So students, here I am with mathematics textbook, first class 10th. This is the NCERT textbook which we are using for Gujarat board students also for standard 10th. Ab students, pehle hum log baat kar dete hain regarding the chapters. Now there are 15 chapters, chapter 1 to chapter 15. Sabse pehli baat students, koi bhi chapter टोटली ओमिटेड नहीं है। इट मीन्स कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप कह सके यार ये चैप्टर नहीं करूंगा तो चलेगा, वो चैप्टर नहीं करूंगा तो चलेगा। नो, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर। हाँ, ये बात है कि हर चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट्स ओमिटेड है। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद रियल नंबर्स। नाउ चैप्टर 1 रियल नंबर्स की अगर आप बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ना यूक्लिड्स डिविजन लेमा का, ये आपको नहीं करना है। It's omitted, right? You don't have to do the statement, but there are sums related to that which you have to do, right? So talking about example 1, you have to do example 1, then example 2, example 3, example 4, these three examples have been omitted. If you talk about exercise 1.1, then question 1 you have to do, question 2, 3, 4, 5, these four questions have been omitted. Theek hai students? अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको समझना है, इसके स्टेटमेंट को भी याद रखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके रिलेटेड सम्स भी आएंगे आपके पास। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 5 ये ओमिटेड है। गोइंग फर्दर, एग्जांपल 6, एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, दीज आर द सम्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको करने हैं। एग्जांपल 6, एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, ये आपको करना है। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 1.2 की, तो एक्सरसाइज 1.2 में सम नंबर 5, 6 एंड 7, ये तीन सम्स ओमिटेड है। रिमेनिंग सम्स दैट इज 1, 2, 3, 4 यू हैव टू डू। उसके बाद इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें प्रूव करना है दैट √2 इज इरेशनल। अब ये सारा ओमिट है। थियरम 1.3 ओमिट है, थियरम 1.4 ओमिट है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 ये भी ओमिट है, और एक्सरसाइज 1.3 इज फुल ओमिटेड। इफ यू कम टू एक्सरसाइज, इफ यू कम फर्दर, यहां पे थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 ये दोनों ओमिटेड है। थ्योरम 1.7 यू हैव टू डू, एंड एक्सरसाइज 1.4 यू हैव टू डू फुल। करेक्ट स्टूडेंट्स? फाइन। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर चैप्टर 1 में क्या करना है क्या नहीं करना है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, यहां पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सो पॉलिनोमियल्स में अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन आपको पूरा स्टडी करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब समझना है। 2.1 एक्सरसाइज फुल यू हैव टू डू। लेट्स गो फर्दर, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 4 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 5 इज ओमिटेड स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू डू एग्जाम्पल 5, राइट? 2.2 यू हैव टू डू फुल। डिविजन एल्गोरिथम, ये पूरा टॉपिक ओमिटेड है,
और इसके रिलेटेड सम्स, एग्जाम्पल 6 इज ओमिटेड, एग्जाम्पल 7 इज ओमिटेड, एग्जाम्पल 8 इज ओमिटेड, एग्जाम्पल 9 इज ओमिटेड, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीटली ओमिटेड. फाइन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे रिगार्डिंग ऑप्शनल एक्सरसाइज दे हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग, राइट? सो 2.3 इज कंप्लीटली ओमिटेड. फाइन, लेट्स गो फर्दर. नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब स्टूडेंट्स, जब मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. इट मीन्स बहुत सारी चीजें यहां पे ओमिट कर दी गई है. अब क्या है वो, लेट्स हैव अ लुक. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको स्टडी करना है. देन गोइंग फर्दर, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये सारे ग्राफिकल मेथड्स के हैं. एग्जाम्पल 3, अब ये 3.1 है, ये टोटली ओमिटेड है. यू डोंट हैव टू डू एक्सरसाइज 3.1, राइट? वी गो फर्दर. अब स्टूडेंट्स, ग्राफ रिलेटेड सब कुछ ओमिटेड है. मीन्स यू डोंट हैव टू डू एग्जाम्पल 6, यू डोंट हैव टू डू एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5. 4, 5, 6 एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू डू. और 3.2 में आपको सिर्फ क्वेश्चन 2, 3 करना है. 1 and 4 इज ओमिटेड, 5 आपको करना है, और 6 and 7 ये दोनों ओमिट है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एग्जाम्पल 7 यू हैव टू डू. गोइंग फर्दर, एग्जाम्पल 8 यू हैव टू डू. ओके, एग्जाम्पल 9 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 10 यू हैव टू डू. बट इफ यू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 यू हैव टू डू, बट क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटली ओमिटेड. मतलब प्रॉब्लम सम्स आपको नहीं करने हैं, राइट? ऑल द प्रॉब्लम सम्स ऑफ 3.3 आर ओमिटेड. इफ यू कम टू एलिमिनेशन मेथड, सो सेम वे इन द एलिमिनेशन मेथड यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन 1 आपको करना है और क्वेश्चन 2 इज ओमिटेड. मीन्स प्रॉब्लम सम्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड आर ओमिटेड. सेम वे इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं 14, 15, 16, दे ऑल आर ओमिटेड. एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्सरसाइज 3.5, देन स्टूडेंट्स दिस फुल एक्सरसाइज इज ओमिटेड. यस, सही सुना आपने, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ओमिटेड है. और यहां से एग्जाम्पल 17 के बाद सब कुछ ओमिट है. एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19, ये सब ओमिट. एंड फुल 3.6 इज ओमिटेड. करेक्ट स्टूडेंट्स? सो हो गई ना आपकी बल्ले बल्ले. ग्रेट, ग्रेट न्यूज फॉर यू. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन यू हैव टू स्टडी. हियर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जाम्पल 1 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 2 यू हैव टू डू, एंड दिस स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 यू हैव टू डू फुल complete, right? Now coming to example 3, you have to do example 4, example 5 you have to do, example 6 you have to do, exercise 4.2 you have to do full, right? Going further students, now method of completing square students, ye topic omitted hai, you don't have to do this topic. So because of ye topic omitted hai, isiliye example 7, example 8 एन एग्जाम्पल 9 ये ओमिटेड है बिकॉज दे ऑल आर बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स. एग्जाम्पल 10 यू हैव टू डू. ओके, एग्जाम्पल 11 ओमिट, एग्जाम्पल 12 ओमिट, एग्जाम्पल 13 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 14 यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 15 यू हैव टू डू. एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 1 इज ओमिटेड, क्वेश्चन 2 यू हैव टू डू. आई रिपीट, क्वेश्चन 2 you have to do. Let's go further students, talking about the next page of page 88. Is page pe sirf 9, 10 or 11 sums omitted hai. Ye 3 sums omitted hai, rest all you have to do. Correct? And students, nature of roots, this topic completely you have to study. Example 16, example 17 you have to do, example 18 you have to do, and exercise 4.4 is
कंप्लीट, आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टडी करना है. फाइन स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन हायर क्लासेस ऑल्सो. फाइन, टॉकिंग अबाउट चैप्टर 5 अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर. स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी अबाउट अर्थमैटिक प्रोग्रेशन. वॉट इज अर्थमैटिक प्रोग्रेशन? वॉट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म? ओके, वॉट इज अ जनरल फॉर्म? आई एम सॉरी. एंड देयर आफ्टर इफ यू कम टू द एग्जाम्पल्स, देन यू हैव टू डू एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये दोनों आपको करने हैं. एक्सरसाइज 5.1, यू हैव टू डू क्वेश्चन 1, 2, 3. क्वेश्चन 4 इज ओमिटेड, यू डोंट हैव टू डू इट. लेट्स गो फर्दर स्टूडेंट्स. 5.3, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ AP, आपको ये आना चाहिए स्टूडेंट्स. ये उसकी फॉर्मूला है टू फाइंड nth टर्म. एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 यू हैव टू डू. एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 यू हैव टू डू. एग्जाम्पल 8 यू हैव टू डू. स्टूडेंट्स, यहां से एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, ये दो एग्जाम्पल्स ओमिट है. इफ यू टॉक अबाउट 5.2 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, देन इन 5.2 एक्सरसाइज यू हैव टू डू ऑल द सम्स टिल 15. आई रिपीट, यू हैव टू डू ऑल द सम्स टिल 15. आफ्टर 15th, सम नंबर 16, 17, 18, 19, 20, दीज 5 सम्स हैव बीन ओमिटेड. देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, you should read this everything, and you have to remember this formula of SN, sum of n terms. These are the two formulas. अब इसके बेस पे सम्स अगर आप देखें, देन एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15 ओमिट है, एग्जाम्पल 16 ओमिट है. एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 5.3, देन यू हैव टू डू द सम्स ऑल क्वेश्चन 1 से लेके यहां तक, जस्ट सी मैंने यहां पे क्रॉस किया है क्वेश्चन 12 तक. टिल क्वेश्चन 12 यू हैव टू डू ऑल सम्स, एंड फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स फुल एक्सरसाइज टिल 20, 13 से लेके 20, ऑल दीज सम्स हैव बीन ओमिटेड. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट चैप्टर 6 ट्राइंगल्स. स्टूडेंट्स, फिर से यहां पे आपकी लॉटरी लग गई है. दिस ईयर इस चैप्टर में काफी कुछ ओमिट हुआ है. एक्सरसाइज 6.1 यू हैव टू डू, राइट? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज ओमिटेड. इसका मतलब इसका प्रूफ नहीं आ सकता एग्जाम में. इसके रिलेटेड सम्स आ सकते हैं, बट द प्रूफ इज हैज बीन ओमिटेड. लेट्स गो फर्दर स्टूडेंट्स. टॉकिंग अबाउट थियरम 6.2 ओमिट, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1 ओमिट, एग्जाम्पल 2 ओमिट, एग्जाम्पल 3 ओमिट. इफ यू टॉक अबाउट द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2, आपको सिर्फ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ही करना है. नाउ दिस आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल थियरम एंड कन्वर्स ऑफ फंडामेंटल थियरम. बाकी क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 10 तक सारे सम्स ओमिट कर दिए गए, राइट स्टूडेंट्स? यस, आई होप यू आर वेरी हैप्पी. बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, इफ यू आर गुड इनफ इन स्टडीज, यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज. थियरम 6.3 ओमिट, थियरम 6.4 ओमिट, या थियरम 6.5 ओमिट. ओके, एग्जाम्पल 5 यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 4 इज ओमिट. गोइंग फर्दर, एग्जाम्पल 6 ओमिट, एग्जाम्पल 7 यू हैव टू डू, राइट? अब स्टूडेंट, जैसे ये देखो एग्जाम्पल 7 है, यहां पे हम AA क्राइटेरियन यूज करते हैं. तो जब तक आप AA क्राइटेरियन नहीं समझेंगे ना, जो थियरम्स ओमिट है ना, ये थियरम्स को एटलीस्ट इसकी फंडामेंटल आइडिया अपने प्लीज मेंटर्स से, अपने टीचर्स से प्लीज याद से लीजिएगा. ये टॉपिक्स ओमिटेड है, बट इनके रिलेटेड सम्स हैं स्टूडेंट्स. सो कीप इन माइंड दैट द कंसेप्ट्स हैव टू बी क्लियर ऑल्दो इट इज ओमिटेड. एग्जाम्पल 8 इज ओमिट स्टूडेंट्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट 6.3, देन यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर, ओनली क्वेश्चन 1 एंड 2 यू हैव टू डू, रेस्ट फुल एक्सरसाइज इज ओमिटेड. फुल एक्सरसाइज ओमिटेड. इफ आई टॉक अबाउट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, थियरम 6.6 का प्रूफ आपको करना है. थियरम 6.6 प्रूफ यू हैव टू डू. एग्जाम्पल 9 ओमिट. इफ आई टॉक अबाउट 6.4, यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 8 एंड 9, दिस MCQs. रेस्ट फुल एक्सरसाइज इज ओमिटेड. फाइन स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थियरम, दिस थियरम यू हैव टू डू विथ प्रूफ.
complete proof you have to learn of theorem 6.8, but theorem 6.9 is omitted, example 10 omitted. Example 11 you have to do, students, because it is based on Pythagoras theorem. Example 12 omit, example 13 omit, example 14 omit, full exercise omit 6.5 except question 17. ये पूरी एक्सरसाइज ओमिट है डियर 6.5 की, एक्सेप्ट क्वेश्चन 70. फाइन स्टूडेंट्स, सो इट्स अ ग्रेट 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 एडवांटेज टू यू. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7. नाउ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द डिस्टेंस फॉर्मूला. यू हैव टू डू एग्जाम्पल 1, यू हैव टू डू एग्जाम्पल 2, यू हैव टू डू एग्जाम्पल 3, देन एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 ओमिट. 7.1 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 यू हैव टू डू, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 यू हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 ओमिट. सेक्शन फॉर्मूला यू हैव टू स्टडी वेरी वेल, दैट्स अ बेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन द सम्स बेस्ड ऑन इट, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 यू हैव टू डू, राइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 8 यू हैव टू डू. So, you have to do example 9 and 10 also. लेकिन अगर हम 7.2 की बात करें तो students इसमें से एक भी sum omitted नहीं है, सारी exercise आपको full करनी है, right? अब ये काफी अच्छा है. अब students यहां से area of triangle से ये पूरा chapter अभी omitted है. All examples from here onwards, example 12, 13, 14, 11, 15 और ये पूरी exercise, ये सब omitted है. फाइन स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक ऐसे चैप्टर की विच विल बी वेरी यूजफुल टू यू स्टूडेंट्स इन योर हायर क्लासेस, ट्रिग्नोमेट्री. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि बोर्ड ने जो भी ओमिट किया हो, यू प्लीज डू दिस फुल चैप्टर. दिस इज माई पर्सनल एडवाइस. फाइन स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग फर्दर, हियर स्टूडेंट्स इन द ट्रिग्नोमेट्री यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देन going further, you have to do example 1, example 2, example 3, example 4, example 5 and exercise 8.1 full except 9 and 10. ये दो sums आपको नहीं करने हैं, 9 और 10. But जैसे मैंने आपको advice दी ना students, इस chapter में please कुछ मत छोड़िएगा, do everything. Okay, now trigonometric ratios of some specific angles. अब students यहाँ पे we will study about some special angles, 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. So the sums related to that, example 6 you have to do, example 7 you have to do, example 8 you have to do, 8.2 you have to do full exercise, but question 3 is omitted. Fine. Trigonometric ratios of complementary angles. Students, ab students yahan pe ye sare examples omitted hai. एग्जाम्पल 9 आपको करना है लेकिन 10 ओमिट है. 11 यू हैव टू डू, मतलब 9 और 11 यू हैव टू डू, 10 इज ओमिटेड. और 8.3 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन वन यू हैव टू डू, क्वेश्चन 2 यू हैव टू डू, एंड देयर आफ्टर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4, दिस टू आर ओमिटेड. 1, 3 एंड 5 यू हैव टू डू, 6 is omitted, 7 you have to do. फिर हम आते हैं trigonometric identities, जो इस chapter का base है students. अब students, I'm very unhappy to see all this, कि ये सारी चीजें omitted है. Example 12 omit, example 13 you have to do, 14 you have to do, 15 is omitted. और 8.4 की अगर मैं बात करूं students, तो यहां पे question 1, 2, 3, 4 ये सारा omit है, सिर्फ आपको question 5 करना है जो prove that है. ठीक है students, अब बात करते हैं चैप्टर 9, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है, विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब स्टूडेंट्स यहां पे यू हैव टू स्टडी अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंड देन द सम्स रिलेटेड टू दैट. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये तीन एग्जाम्पल्स आपको करने हैं. और एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 ये सारे ओमिट, मतलब एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल करने हैं, 1, 2, 3. अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू डू द फर्स्ट 5 सम्स ओनली, रेस्ट फुल एक्सरसाइज इज ओमिट.
You have to do only first 5 sums. Only first 5 sums. Remaining full exercise has been omitted. Going further, students, talking about chapter 10, circles. Now here, we have to study about tangent. What is a tangent? Thereafter, आगे बढ़ते हैं. Theorem 10.1, इसका proof omitted है. इसका proof नहीं आ सकता. Exercise 10.1, you have to do. Then, you have to study these topics, length of tangent. Theorem 10.2, इसका proof omit है. Example 1, omit. Example 2, omit. Example 3, omit. अगर मैं एक्सरसाइज 10.2 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 1, 2, 3, ये तीनों सम्स आपको करने हैं, एंड देन सम नंबर 6, 7. मतलब इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 5 सम्स करने हैं, 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. रिमेनिंग फुल एक्सरसाइज ओमिट. गोइंग फर्दर, कंस्ट्रक्शन चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में यू हैव टू फर्स्ट डू हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो. मीन्स कंस्ट्रक्शन 11.1 आपको करना है स्टूडेंट्स. 11.2 कंस्ट्रक्शन इज ओमिटेड, एंड सो इज एग्जाम्पल 1 ओमिट, एग्जाम्पल 2 ओमिट, एग्जाम्पल 3 सॉरी या एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ओमिट. अब मैं बात करूं 11.1 में, एक्सरसाइज 11.1, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट सम ही करना है स्टूडेंट्स. अदर देन दैट सारे सम्स ओमिट. इफ आई टॉक अबाउट 11.3 कंस्ट्रक्शन, ये आपको करना है स्टूडेंट्स. और 11.2 में यू हैव टू डू फर्स्ट 5 कंस्ट्रक्शंस. ये जो कंस्ट्रक्शन 6 और 7 है ना, ये दोनों ओमिटेड है. कंस्ट्रक्शन 6 एंड 7 यू डोंट हैव टू डू, दे आर ओमिटेड. टॉकिंग अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यू हैव टू स्टडी इंट्रोडक्शन, राइट? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये सारा स्टडी करना है इंडिया. इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1, यू हैव टू डू 12.1 एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1, 2, 3 यू हैव टू डू. क्वेश्चन 4 ओमिट. क्वेश्चन 5 यू हैव टू डू. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, स्टूडेंट्स ये सारे आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. एंड देयर आफ्टर गोइंग फर्दर, एग्जाम्पल 2 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 3 ओमिट है बेटा. एंड देन लेट्स गो फर्दर. 12.2 एक्सरसाइज में सम नंबर 1, 2, 6 यू हैव टू डू, और सम नंबर 7 के बाद सारे सम्स ओमिटेड है, लेकिन 14 आपको करना है. आई रिपीट, सम नंबर 7 से लेके सम नंबर 13, ये सारे सम्स ओमिट है, 14 आपको करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग फर्दर, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स स्टूडेंट्स, दिस इज ओमिटेड. ओके, दिस इज ओमिटेड स्टूडेंट्स, सो यू डोंट हैव टू डू इट. कंप्लीट, दिस इज ऑल ओमिटेड, यू डोंट हैव टू डू इट स्टूडेंट्स. ठीक है, सो डोंट डू दिस. सो फ्रॉम दिस पेज, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, यहां से सारा चैप्टर ओमिटेड है टिल द एंड. कमिंग टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ऑल बेस्ड अबाउट, इज ऑल बेस्ड ऑन द फॉर्मुलाज ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर. सो हियर यू हैव टू डू एग्जाम्पल 1, you have to do example 2, you have to do example 3. Going further, example 4 also you have to do, but if you talk about exercise 13.1, you have to do full exercise. Puri ki puri exercise karni hai aapko. Volume related sums karne hai. Example 5 you have to do, example 6 aapko karna hai dear, example 7 omit hai. Exercise 13.2 ki baat kare, so you have to do students फुल एक्सरसाइज कंप्लीट. अब यहां से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ये 13.4 जो टॉपिक है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये सब ओमिट है बेटा. एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, दिस टू आर ओमिटेड. एग्जाम्पल 10 ओमिट, एग्जाम्पल 11 ओमिट. एक्सरसाइज 13.3 फुल ओमिट, एक भी सम नहीं करना. एंड फ्रस्टम ऑफ कोन कोई भी एग्जाम्पल नहीं करना डियर, ये सारा ओमिट ओमिट. दिस पेज ओमिट, एंड इवन एक्सरसाइज 13.4 ओमिट. टॉकिंग अबाउट चैप्टर 14 स्टूडेंट्स, दिस इज स्टैटिस्टिक्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स यू हैव टू डू 14.1 विच इज मीन फुल एक्सरसाइज अलोंग विद एग्जाम्पल, सारे करने हैं.
फुल एक्सरसाइज और इसके पहले के एग्जाम्पल्स करने हैं. 14.2 इज अबाउट हैव अ लुक मोड, फुल एक्सरसाइज और इसके पहले के सारे एग्जाम्पल्स करने हैं. 14.3 एक्सरसाइज के पहले सारे एग्जाम्पल्स करने हैं एंड 14.3 यू हैव टू डू फुल. दिस एक्सरसाइज आपको फुल करनी है. क्लियर? ओमिट क्या है? यहां से आपका पूरा चैप्टर ओमिटेड है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी ओमिट. ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन ओमिटेड. यस स्टूडेंट्स, एंड एक्सरसाइज 14.4 फुल्ली ओमिटेड. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी चैप्टर, यू हैव टू डू कंप्लीटली. आई रिपीट, इस चैप्टर में से कुछ भी ओमिटेड नहीं है. पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी करना है. ठीक है? आई होप स्टूडेंट्स सब कुछ आपको क्लियर हो गया है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 में कुछ भी ओमिटेड नहीं है. इस चैप्टर में कुछ भी ओमिटेड नहीं है. और बाकी सब चैप्टर्स में क्या क्या ओमिट है और क्या क्या करना है, मैंने आपको ईच एंड एवरी सम, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल बता दिया है. फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड आई होप आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे जो इस वक्त स्टैंडर्ड 10th की एग्जाम्स देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर इन गुजरात बोर्ड. एट द सेम टाइम, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक भेजिए ताकि उनके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं. और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड एट द सेम टाइम डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है जहां हम आपको बताने वाले हैं रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड इंग्लिश सोशल एंड साइंस, हिंदी गुजराती संस्कृत, बहुत जल्द ये वीडियोस लेके आएंगे ऑन आवर चैनल SGTN's ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स. सो टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय. एट द एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट आई एम स्लाइटली नॉट सो हैप्पी विद द गुजरात बोर्ड. ऑल्दो इन्होंने बहुत ही एक बोल्ड स्टेप लिया है ताकि कोरोना की वजह से जो बच्चों को स्टडीज नहीं मिल पाई है उनको कम से कम स्टडीज करनी पड़े. लेकिन आई रिक्वेस्ट अदर स्टूडेंट्स जो अच्छी तरह कर सकते हैं, जिनको हायर स्टडीज 11 12th में साइंस लेना है, आप प्लीज सभी सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट क्लियर रखिए. एंड एट द सेम टाइम मैंने कोशिश की है दैट टू मेक एवरीथिंग वेरी एक्यूरेट. बट प्लीज कुछ भी चीज ओमिट करने से पहले अपने मेंटर्स या अपने स्कूल टीचर्स से जरूर गाइडेंस लें. सो हियर वी एंड अवर वीडियो. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.